राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। देखिए ये जनता की हवाई होती है, वो जनता के ना तो आप पर रुके ना मेरे पर रुके। जनता किसको क्या मांग कर दे, सचिन पायलट जी को मांग कर दे, आपको मांग कर दे, मेरे को कर दे और किसी को कर दे। नहीं झगड़ा तो पहले भी नहीं था सर। गद्दार वद्दार दलाल वलाल पता नहीं क्या क्या शब्द बोल दिए। आप खुद कह रहे थे कि दारू हेड़ा मिलेंगे अगर सीएम बदल देंगे, आप कह रहे हो झगड़ा नहीं था। नहीं 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 झगड़ा क्या था, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। वो चल रहे आज माला अलवर के माला खेड़ा के अंदर भी जो है एक बड़ी जनसभा राहुल गांधी करने वाले हैं, जिसके अंदर हरियाणा जयपुर ग्रामीण अलग अलग क्षेत्रों से जो है झुंझुनू से भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। मलिंगा जी 9 डिग्री तापमान है लेकिन फिर भी जोश कम नहीं हो रहा। जोश तो और बढ़ता ही जाएगा, जोश कम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आपने दौसा जिले के अंदर कल तक कितनी भीड़ थी, आज भी आप देखना कि कोई जनता की कमी नहीं है। पूरा जनता का प्यार मिल रहा है राहुल गांधी जी को और कोई भी भीड़ की कमी नहीं रहेगी। आप देखना इतिहास बनेगा। आपको ये नहीं लगता कि अब यात्रा खत्म होने वाली है कल राजस्थान के अंदर, अब ये क्या रोज का शेड्यूल बना लेंगे आप? नहीं हमारा तो पहले ही बना हुआ है, लेकिन बिना राहुल गांधी के चलने के आपको वो आनंद आएगा जो पहले आता था? अब वो तो भाई नेता संग चंदा तो मंग रहती है, अब बकाया तो वैसे तो हम रोजाना चलते ही है रोड पे, तो घूमने तो सुबह ही आते हैं, पर नेता रहता तो इतनी भीड़ रहती है तो अलग ही आनंद आता है, अब इतना आनंद नहीं आएगा। पहले कल दौसा में भीड़ तो बहुत थी, दौसा में सिकराए में लाखों में संख्या में लोग थे, लेकिन अब एक चीज देखने को मिली कि सचिन पायलट आई लव यू सचिन पायलट इस तरह के नारे बहुत सुनने को मिले, और उनको सीएम बनाने के लिए जो भले आप लोगों में मामला शांत हो गया हो लेकिन जो यहाँ का आम व्यक्ति जो है लाखों की संख्या में नारा लगाना था। देखिए जनता की हवाई होती, वो जनता के ना तो आप पर रुके ना मेरे पर रुके। जनता किसको क्या मांग कर दे, सचिन पायलट जी को मांग कर दे, आपको मांग कर दे, मेरे को कर दे और किसी को कर दे, तो जनता की आवाज उसको आप कैसे रोक सकते ना, तो मैं रोक सकता ना आप रोक सकते हैं। तो अब राजस्थान की राजनीति में जो है पूर्ण विराम लग गया है झगड़े को, यह एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है परसों से? नहीं झगड़ा तो पहले भी नहीं था सर। गद्दार वद्दार दलाल वलाल पता नहीं क्या क्या शब्द बोल दिए। आप खुद कह रहे थे कि दारू हेड़ा मिलेंगे अगर सीएम बदल देंगे, आप कह रहे हो झगड़ा नहीं था। नहीं 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 झगड़ा क्या था, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, कोई बात नहीं है। आप बुजुर्ग नेता हमारे घर साफ सब मानी है, कभी कभी कहे के उम्र का भी तकाजा होता है, तो झगड़ा कोई नहीं है ऐसा। घर में हो जाती है मतलब, तो हर घर में होता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि नहीं झगड़ा मतलब, मतभेद है मनभेद नहीं है? नहीं कोई भी भेद नहीं, ना तो मनभेद ना मतभेद। तो गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे अगला वाला? अब देखो जो तो हमारे माननीय सोनिया जी खड़गे साहब फैसला करेंगे अध्यक्ष जी। चलिए आप खड़गे साहब का नाम तो ले रहे, कई नेता नाम भी नहीं लेते। नहीं नहीं लेना चाहिए, हमारे अध्यक्ष जी है तो नाम तो लेना ही पड़ेगा भाई, जो कुर्सी पर बैठा उसको तो हर किसी को सलाम करना पड़ता है चाहे कोई बैठे। ये थे हमारे साथ में गिरिराज मलिंगा, देखिए धौलपुर से आते हैं ये, बिहड़ो के जो है वो एमएलए है, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, लेकिन आप देखिए जन सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी लगातार लोगों से स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, युवा उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ बसवा गांव से जयकिशन शर्मा।